बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। इमरान ख़ान साहब की तरफ से आज एक बहुत ही अहम और बड़ा बयान दिया गया है। इस बयान के हवाले से ताकतवरों की तरफ से और इस हुकूमत की तरफ से बहुत कोशिशें की गई कि इमरान ख़ान साहब का ये बयान ना आए और इमरान ख़ान साहब को कन्विंस करने की जो है वो बड़ी कोशिश की गई, पैगाम भेजे गए। उसके बावजूद इमरान ख़ान साहब ने ये जो है बयान दिया है और अवाम के सामने इस बयान को रखा है। और इसके हवाले से जो है हुकूमती रद्द अमल भी इस वक्त बाकायदा तौर पर जो है वो आ चुका है। इमरान ख़ान साहब के ख़िताब में हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो सख्त तरीन रद्द अमल का इजहार किया गया है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो आपके साथ रखूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़म ख़ान साहब के बयान के बाद जो है वो हकूमती हलकों में एक हलचल सी मच चुकी थी, क्योंकि ये उन्हीं के एक प्लान का हिस्सा था कि इस ऐसा बयान दिलवा कर इमरान ख़ान साहब के गिर्द जो है वो गिरा तंग किया जाए। और इस पर हकूमती रद्दअमल भी आया और राना सनाउल्ला साहब ने जो है वो कुछ वक़्त के बाद ही एक प्रेस एक टीवी में इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अब इमरान ख़ान साहब को इस सारे केस को भुगतना होगा और इसमें उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर राना सनाउल्ला साहब ने ये भी बताया कि किस तरह जो है वो इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार करने का प्लान तैयार किया गया है। और उन्होंने बताया कि 25 तारीख तक जो है इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस सारे सिनेरियो के बाद इमरान ख़ान साहब ने फैसला किया कि वो दोबारा से साइफर के मामलात पर अवाम को जो है वो आगाह करेंगे और साइफर के जो नुकात थे उसको अवाम के साथ शेयर करेंगे। इस बयान का जैसे ही इलम हुकूमती हलकों को हुआ, ताकतवरों को हुआ, उनकी तरफ से भरपूर कोशिशें की गई कि इमरान ख़ान साहब ये बयान ना दें और इमरान ख़ान साहब को बाकायदा तौर पर पैगाम भी भेजे गए कि वो ऐसा बयान ना दें। ये एक कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन है, इसको अवाम के सामने ना रखें। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने इसके बावजूद जो है वो ये बयान दिया और इस ये अब तक का जो है इमरान ख़ान साहब ने हमेशा बहुत सख्त किस्म के जो है वो बयानात दिए हैं। लेकिन जितने भी आज तक इमरान ख़ान साहब के इस पीडीएम गवर्नमेंट और ताकतवरों के ख़िलाफ़ बयान आए हैं उनमें ये सबसे सख्त बयान कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है वो अहम बातें की हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात ये थी कि इमरान ख़ान साहब ने इस सारे बयान में जो है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर जिन्हें हम कहते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त जो है रवैया नहीं अपनाया। और उन्होंने बाकायदा इस सारे मामले को क्लियर भी किया कि उन वो फ़ौज की दिल से इज़्ज़त करते हैं लेकिन वो मखसूस लोगों के हवाले से जो है वो बात करते हैं जिन लोगों ने इस सारे निज़ाम को मफलूज बना रखा है। और उन्होंने जो है इस बयान में बाकायदा तौर पर साइफर के मामलात क्या हुए, कैसे साइफर आया और ये सारी बातों को डिस्क्लोज़ किया। उन्होंने कहा कि मार्च में मेरे पास साइफर पहुंचा, मैंने उसे देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि इमरान ख़ान साहब को जो है वो बाकायदा तौर पर इस सारे निज़ाम से निकाला जाए। और उसी साइफर में ये भी कहा था कि इसको इमरान ख़ान को अदम एतमाद के ज़रिए निकाला जाए। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने कहा पहले मुझे इस बात की समझ नहीं आई क्योंकि इमरान ख़ान को निकालने की बात थी और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी मैं ही था, तो फिर मुझे ये बाद में समझ आई कि ये जो ख़त आया है, ये साइफर जो आया है वो बाकायदा तौर पर जो है वो कमर जावेद बाजवा के हवाले से है, ये उनको कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि बाद में ये चीज़ जो है वो बाकायदा तौर पर साबित भी हुई, इन्होंने किस तरह साजिश करके अदम एतमाद जो है वो कामयाब करवाई। और फिर उन्होंने जो है वो साबका जो अरकान थे तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने अदम एतमाद में तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट दिया या वोट नहीं दिया, उन लोगों के हवाले से भी उन्होंने अहम तरीन एक जो है इंकशाफ किया
उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारतखाने में ये लोग जो थे हर आए दिन जाया करते थे, साइफर के बाद ये वहाँ पर मुलाकातें करते थे, और ये वही लोग थे कि जब अदम एतमाद का मामला आया तो इन्होंने सबसे पहले मुझे और तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा। और उन्होंने ये भी कहा जो है राजा रियाज साहब वो भी अमरीकी सफारतखाने में जाकर मुलाकातें करते थे, और उन्होंने ये सारा जो प्लान था उसको एक्सपोज किया और इस पर एक दफ़ा फिर से जो है वो मोहर सबत की है कि इसमें जनरल कमर जवेद बाजवा ने अहम किरदार अदा किया और कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है वो उनकी हुकूमत गिराई गई है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने फिर से ये दावा किया है कि इसकी आज़ाद और फिर जो है तहकीकात करवाई जाएं और ये बात साबित हो जाएगी ये किसने किया है। लेकिन अब इस सारे मामले के बाद जब ये बयान दे दिया गया हुकूमत की कोशिशों के बावजूद इमरान खान साहब ने बयान दिया तो इसमें अब हुकूमत की तरफ से एक भरपूर किस्म का रद्दअमल जो है वो सामने आया है। पहले हुकूमत की तरफ से जो एक्सपेक्टेड डेट थी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की वो बताई गई, जो राना सनाउल्ला साहब ने ऑन एयर आकर ये बात कही कि 25 जुलाई को जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है अगर इन्होंने इनिशियल स्टेज पर जो है वो तआवुन ना किया तो इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब इसके इस मामले को बढ़ाते हुए अब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो है उसके तहत कार्रवाई चलेगी, और इसकी बकायदा तौर पर उन्होंने ये भी बता दिया है कि इसकी सज़ा जो है वो इमरान खान साहब को कितनी हो सकती है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये साइफर झूठा लहराया हुआ तो फिर उनको 2 साल सज़ा होगी, और अगर ये साइफर अपने ज़ाती मफादात और सियासत के लिए लहराया गया तो फिर 14 साल तक जो है वो इमरान खान साहब को बकायदा तौर पर सज़ा हो सकती है। और उन्होंने ये इंटेंट शो किया है कि क्यों अब उनका जो है इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके लंबा प्लान है कि वो लंबे अरसे तक जो है जेल में जाएं, इतने लंबे अरसे तक कि उनकी जो साख है और पब्लिक जो उनकी पावर है वो बिल्कुल ही वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म हो जाए और उनको पाबंदे सलासल किया जाए और उन पर बगावत और गद्दारी के जो मुकदमात हैं वो चलाकर उनको अगर ज़्यादा नहीं तो 5 साल कम अज़ कम जो है वो पाबंदे सलासल रखा जाए। और इस वक्त इमरान खान साहब की उम्र भी इतनी हो चुकी है तो इस अगर ऐसा होता है तो इस सारे टेन्योर के अंदर बहुत कुछ जो है वो तब्दील हो जाएगा और इमरान खान साहब के हाथ से मुमकिन तौर पर जो है वो डोर निकल जाएगी। और इसके साथ साथ अब दूसरा जो एक रद्दअमल आया है वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से आया है, जिस में जो मुकदमात वहाँ चल रहे थे उनमें इमरान खान साहब बकायदा तफ्तीश का हिस्सा बने, JIT के सामने पेश हुए, जिस JIT को एक DIG और एक चार SSP और जो है 8 SP थे उसमें उन्होंने अब बकायदा तौर पर अदालत में जो है वो अपना बयान कलम बंद करवा दिया है। और उन्होंने कहा है कि तहकीकात में ये बात साबित हुई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कसूरवार हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मकामात पर जो लोग नज़र आए हैं वीडियोस और तस्वीर में वो इमरान खान साहब के लोग हैं, और उन्होंने बकायदा तौर पर जो है अब इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात में कसूरवार ठहरा दिया है, जबकि वो ख़ुद भी इस बात का इलम रखते हैं कि इमरान खान साहब का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। वो जो लोग जिन्होंने तोड़फोड़ और जलाओ गिराओ शुरू किया वो प्लांटेड लोग थे, वो इमरान खान साहब के लोग नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी अब इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह जो है वो काबू तो करना है, तो इसमें अब बकायदा तौर पर JIT की तरफ से जो है कह दिया गया है इमरान खान साहब कसूरवार हैं। इस तरह जो है इमरान खान साहब के लिए परेशानियाँ मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और साथ साथ तोशाखाना केस में हुमायूं दिलावर खान साहब भी जो हैं वो भी इस वक्त तुले हुए हैं फैसला करने पर उन, और इसमें इमरान खान साहब के जो वकील हैं इंतज़ार पंजोता साहब, उन्होंने भी कहा कि जज जो हैं वो इस वक्त अदालती वक़्त ख़त्म होने के बावजूद बज़िद हैं कि जुमे के बाद दोबारा से कार्रवाई का आगाज़ होगा, और वो बाकायदा तौर पर जो हैं वो 22 जज हैं
और उन्होंने इस पर एतराज़ भी किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तमाम तर एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए हुमायूं दिलावर खान साहब केस सुनने के लिए हर रोज़ पहुंच जाते हैं। और उनको जब एटीसी से जो है वो रिकॉर्ड मंगवाने का कहा गया तो उस पर भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड नहीं मंगवाऊंगा और मैं इस बात का जो है वो फैसला अपने मुताबिक करूंगा। जबकि इससे पहले उनकी बायसनेस का ये भी जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने खुद इस बात को अदालत में तस्लीम किया कि जो फेसबुक अकाउंट जिस पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इंतशार फैलाया जा रहा था वो उनका ज़ाती अकाउंट है। इसके बावजूद भी वो जज जो हैं इस वक्त पूरी आबोताब के साथ जो है इस केस को सुन रहे हैं और इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करके उनको जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जल्द जारी करने के लिए बेताब हैं, क्योंकि अब ऊपर से इस बात का हुक्म आ चुका है। इमरान खान साहब के रात के बयान के बाद जो हालात हैं वो यकसर तब्दील हो गए हैं, लेकिन इसके साथ जो है इमरान खान साहब की तरफ से पहली दफ़ा जो है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई सख्त रवैया नहीं रखा गया। उन्होंने लेकिन गिने चुने लोगों के ख़िलाफ़ जो है अपना स्टांस दिया कि वो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस अदारे की साख को ख़राब किया हुआ है। इस तरह ये आज कुछ अहम तरीन इमरान खान साहब के खिताब के हवाले से डेवलपमेंट थी, जिसमें उन्होंने खिताब किया, उसके बाद हुकूमत की तरफ से उससे भी शदीद जो है वो रद्द अमल आया। इसके साथ साथ आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। लेकिन इस वीडियो के इख्तिताम पर अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारा और इस मुल्क का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।